नमस्ते, मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम एक अद्भुत और मनन करने योग्य पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं। किताब का नाम है दस स्पोक ज़रथुस्त्रा बाय फ्रेडरिक नीत्से। दस स्पोक ज़रथुस्त्रा एक गहरी व्यक्तिगत और भावात्मक यात्रा है जो नीत्से ने मनुष्य की आत्यंतिक संभावनाओं की खोज में लिखी है। कहानी ज़रथुस्त्रा एक गुरु के जीवन की यात्रा के आसपास घूमती है जो 10 वर्ष तक पहाड़ी की गुफा में रहकर अपने अस्तित्व और जीवन की तलाश में डूबा हुआ था। ऊंचाई का प्रेम जरूर अकेला होता है, ज़रथुस्त्रा कहते हैं। ये वचन हमारे स्वरूप, हमारे सपनों और उन सपनों की प्राप्ति की यात्रा के लिए हमारे द्वारा खुद को अकेला करने की जरूरत याद दिलाते हैं। वो हमें समझाते हैं कि वास्तविक मूल्य और समृद्धि हमारे भीतर ही होते हैं और इसके लिए हमें अक्सर अकेला होना पड़ता है। ज़रथुस्त्रा ने कहा, मनुष्य एक तराशने वाला होना चाहिए। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम हमेशा अपने बेहतर स्वरूप की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। जीवन एक निरंतर अभिव्यक्ति है, एक कल्पना की उड़ान है जिसमें हम अपने अस्तित्व को नई दिशा देते हैं। इस किताब का हर एक शब्द एक दर्पण है। बने रहो वो बनाने वाले, बनाने वाला ही सच्चाई है। ज़रथुस्त्रा कहते हैं, यह हमें समझाता है कि हम अपने अस्तित्व को बार बार नया रूप देते हैं। नीत्से की इस कृति ने हमें यह सिखाया है कि सच की खोज एक अनंत यात्रा है जिसमें हम अपने अस्तित्व को बार बार पुनः निर्माण करते हैं। ज़रथुस्त्रा का ये उद्देश्य अपने आत्मिक सच को ढूंढना और उसकी प्राप्ति की दिशा में कदम उठाना हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं? ज़रथुस्त्रा पूछते हैं, क्या हम सच में सुनते हैं? क्या हमें अपने अस्तित्व को समझना है? ये सवाल हम सबको पूछना चाहिए। ज़रथुस्त्रा कहते हैं, जब तुम अपने को समझ लोगे तो तुम अपने पड़ोसी की तुलना में अपने को गलत समझोगे। ये वाक्य हमें ये याद दिलाता है कि स्वप्रेरणा और आत्मचिंतन ही हमें सही राह दिखा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी इस अनोखी यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो 10 स्पोक ज़रथुस्त्रा आपके लिए एक मार्गदर्शक हो सकती है। इस किताब की हर एक पंक्ति आपको अपने अंदर की एक नई दुनिया की दर्पण दिखाएगी। नीत्से की इस महाकाव्य की गूंज आपको एक नया दृष्टिकोण से अपने अस्तित्व को समझने का अवसर देगी। जीवन एक अनोखा राज है जिसे समझना ही नहीं, महसूस करना भी जरूरी है। तो चलिए अपने इस यात्रा को शुरू करते हैं नीत्से के साथ, ज़रथुस्त्रा के साथ, अपने अस्तित्व की गहराई में। नमस्ते।